नमस्कार आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज चारों तरफ ऐसा विनाशकारी समय है जब कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ लिया है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल की बर्बादी हुई है और इस बर्बादी को रोकने के लिए चारों तरफ जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी, म्युनिसिपल कर्मचारी और पुलिस कर्मियों ने एक योद्धा की भांति से फ्रंट से कमान संभाली हुई है। इन सभी कोविड वॉरियर्स को क्राइम पेट्रोल और सोनी एंटरटेनमेंट की पूरी टीम तहे दिल से सैल्यूट करती है और उनका धन्यवाद करती है। पुलिस के लिए तो ये समय काफी चुनौतीपूर्ण था। एक तरफ जहां उन पर लॉकडाउन को नियमपूर्ण तरीके से चलाने की जिम्मेदारी थी तो वहीं दूसरी तरफ अपराध को भी नियंत्रण में रखना था। ऐसे में एक महिला पुलिस कर्मचारी जो कि कोरोना में लॉकडाउन के समय ड्यूटी पर थी उसका मर्डर हो जाना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। कौन थी ये युवा महिला पुलिसकर्मी और लॉकडाउन के दौरान क्यों और कैसे हुई उसकी हत्या? छोड़ मुझे। वहां पर काम करने वाले सभी मर्दों की ना आज तो मैं बर्दाश्त की हद हो चुकी है। कंप्लेंट करके रहूंगी। पागल हो गई क्या? धीरे बोल। क्यों बोलू धीरे? डरती हूँ किसी से? तुम सब जितने भी सीनियर जूनियर यहां पर काम करते हैं ना तुम सबको वार्न कर रही हूं मैं। अगर मेरे साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की या इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना तो कंप्लेंट करूंगी और जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी ना और नौकरी जाएगी तब फैमिली पूछेगी क्या हुआ तब समझ में आएगा कि साथ में काम करने वाली महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। संभल के अच्छा। कितनी बार तुझे समझाया पुलिस की ड्यूटी में बाहर का मत खाया कर लेकिन तू है कि सुनते ही नहीं है। बैठ यहाँ पे। ए सुनील देख तेरे ताई को उल्टी हो रही है। जा जाकर मेडिकल से दवाई ले जा जल्दी। अरे बेटा क्या है जाकर दवाई लिया। अरे आई पुलिस वाले इतना लोगों का पैसा खाते हैं हजम कैसे होगा इनको? तुझे शर्म नहीं आती? तेरी ताई की तबीयत खराब है और तू उसे ताने मार रहा है। जा जाकर दवाई ले आ। आई रहने दे मैं खुद ही ठीक हो जाएगी। तू बस इसको इतना बोल दे कि मेरे पे एहसान कर दे। परसों ना पुलिस भर्ती का फिजिकल टेस्ट है और इसके लिए बहुत लोगों से बात की है मैं। इसको बोल के जाकर टेस्ट दे दे। तू मुझे जितना चाहे मार ले। तू सुसाइड करके मर जा लेकिन एक बात समझ ले मैं पुलिस में भर्ती नहीं हूँगा समझी ना। कशियस, अरे एटीज, वो तुम्हारे भाई के भर्ती का हो गया? रूलिंग पार्टी के जो लीडर है वो मेरे मामा है। आओ तो बात करता हूँ। बट सर इसकी जरूरत ही नहीं है अभी। क्यों? मेरा भाई है सुनील उसको पुलिस में भर्ती नहीं होना। भर्ती नहीं होना है? तुम्हारे ट्रांसफर करूं क्या? हुआ कुछ उसका? सर अभी रुका तो नहीं है बट अगर रुक जाएगा तो अच्छा रहेगा। वो आई को यही अच्छा लगता है। बिल्कुल। शाम को क्वार्टर्स पे आ जाओ डिस्कस करते स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी वरना रुकेगी नहीं ट्रांसफर। ओके सर।
समीर सर, पहले पहले ना मुझे अपने रिलेशनशिप का स्टेटस जानना है। क्या क्या स्टेटस साक्षी? पहले मुझे बताओ कि हम शादी कब कर रहे हैं। अरे तुम्हारी मैंने ट्रांसफर रुकवा दी ना, तो चंद दिनों की बात है, जल्दी शादी कर लेंगे। यस यस यस। पहले शादी परिवार के बुरे दिन कब खत्म हो गए पता नहीं। और मत करो इसकी शादी, बाबा की तेरी सबकी लाडली है ना, कर दिया ना लाडली ने नाम रोशन। वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई रिपोर्ट पर। तू शादी क्यों नहीं कर लेती उसके साथ? किसका बच्चा है ये बोल ना, किसका बच्चा है? बता नहीं सकती मैं। और कौन होगा? वो विनोद, इसका पुराना आशिक, अभी जेल काट रहा है, वही है ना? सतीश तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? दामाद हो, इस घर के बड़े हो। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। हाँ मैडम, किससे मिलना है? समीर कोटनीस। साक्षी मैडम को समीर साहब से मिलना है। आइए मैडम जी। बोलिए ना मैम, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत हुआ आपके साथ? जी नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, समीर फोन नहीं उठा रहे हैं। सब वो मेरे हस्बैंड है। अरे सोनाली, तुम, मैंने तुम्हें कहा था ना क्वार्टर पे रुकने के लिए, तुम यहाँ चली आई क्यों? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ वो फोन, अरे स्विच ऑफ हो गया। तुम चलो चलो तुम्हें। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे तुम मुझे? मेरी और सोनाली की बिल्कुल बनती नहीं है। आई बाबा के कहने पे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी मुझे। मैं उसे तलाक देके मैं शादी करने वाला था तुमसे। झूठ बोल रहे हो तुम। इसको कॉलेज की लड़की समझ रखा है क्या? जितना घुमाना था ना तुमको, उतना घुमा चुके हो। अब देखो मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाती हूँ। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई थी शपथ। सुनील देख कौन है दरवाजे पे। हाँ ठीक है। पोस्टमैन था, ये लेटर दिया है। चंद्रपुर नक्सलाइट एरिया, वहां मेरा ट्रांसफर हुआ है। तुम आवाज धीरे रखो और सीनियर से बात कर रही हो तुम, और वैसे भी तुम मुझसे में बहुत अच्छी दिखती। समझाता हूं ना तुम्हें सब कुछ। अब कार्रवाई होगी। साक्षी बखूबी समझ गई थी कि उसके सीनियर ऑफिसर समीर कोटनेस ने उसका इस्तेमाल किया था। साक्षी ने अपनी शख्सियत के मुताबिक एक डिपार्टमेंटल कंप्लेंट फाइल की। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में यह साफ हो गया कि समीर कोटनेस ने साक्षी को बरगलाया और अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। डिपार्टमेंट ने ASI समीर कोटनेस को सस्पेंड कर दिया
और साक्षी के ट्रांसफर को रद्द करते हुए अगले आदेश तक उसे उसी थाने में कार्यरत रहने को कहा। और फिर आई कोरोना महामारी की आपदा, जिसकी वजह से हालात बिगड़ने लगे और सरकार को उस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। और यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई। आई, निकल रही हूँ। तू नहीं सुनेगी ना मेरी बात? सारे पुलिस वाले क्या इंसान नहीं होते? अरे उनको भी तो कोरोना हो सकता है ना। आई, पुलिस, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी, इनकी ड्यूटी ना नैतिक जिम्मेदारी है। अब हमें कोरोना से तो लड़ना ही है ना, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके और मेरी आय भी सुरक्षित रह सके। ये दे में ध्यान रखना। सर, बात में खड़ी है, साक्षी सावंत को किसी ने गला घोटकर मार दिया है। साक्षी सावंत के केस की फाइल। ये अभी नया शुरू हुआ कोरोना। प्रताप, साक्षी का मर्डर सवेरे 8 से 10 के बीच में हुआ और उसकी माँ का कहना था कि वो 8:30 बजे ड्यूटी के लिए निकली और उसका मर्डर हो गया। सर, उसकी ड्यूटी वेस्ट में थी पर बॉडी ईस्ट में मिली, मतलब वो ड्यूटी से पहले किसी को मिलने गई और शायद उसी ने उसे मारा। साक्षी 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। सर, फिर तो ये केस बहुत सिंपल है। साक्षी अनमैरिड थी और प्रेग्नेंट थी, तो जिसने उससे प्रेग्नेंट किया उसने इस राज को छिपाने के लिए उसे मार दिया होगा। सर, अगर ऐसा है तो हम फीटस का डीएनए टेस्ट करवा के मर्डर को पकड़ सकते हैं। डिपार्टमेंट में नए हो, डीएनए रिपोर्ट इतनी जल्दी आता है, तब तक क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे? सर, फिर इन्वेस्टिगेशन को किस एंगल से शुरू करें? ये देखना पड़ेगा प्रताप कि इसके मर्डर के पीछे क्या इसका प्रेगनेंसी का मोटिव था, मतलब इसके होने वाले बच्चे के बाप ने इसको बुला के मार दिया, या कोई दूसरा एंगल। तुम उसके प्रोफेशनल एंगल को चेक करो और तुम उसके पर्सनल एंगल को चेक करो सर। और मर्डर स्पॉट पे कोई सीसीटीवी का वो भी देखो। जी सर। सर, केस फाइल में साक्षी के फोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? मर्डर स्पॉट पे कोई मोबाइल तो नहीं मिला है। तुम उसके फैमिली मेंबर या कलीग से उसका मोबाइल नंबर ले लो, उसको सर्विलेंस पे डाल दो। सर, और एक बात, दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, साक्षी पुलिस वाली थी और पुलिस वाली का मर्डर इतने आसानी से कोई नहीं कर सकता। और दूसरा एंगल, ये मर्डर लॉकडाउन में हुआ है, मतलब मर्डर करने वाला लॉकडाउन में बिंदास ढूंढता था बाहर और वो साक्षी तक बहुत आसानी से पहुंचता था। देवा, किसकी नजर लगी मेरे परिवार को? पहले मेरे पति को उठा लिया, फिर मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। लाखों में एक थी मेरी बेटी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। आई, ये देख,
मेरी पहली तनख्वाह ले। इसे अपने पास ही रख, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगी। आई, जब तक तू है ना, ये और मैं दोनों पर सिर्फ तेरा हक, समझी? तू कहाँ जा रहा है? दुकान जा रहा हूँ। घर पर बैठकर मातम मनाने से पेट भरता है क्या? तेरी किस्मत की चाबी है। तेरा सपना था ना, तेरा खुद का धंधा हो। ये दुकान आज से तेरी। बिंदास धंधा कर, मास्क लगाए कर। मास्क नहीं लगाएगा ना, पुलिस दुकान बंद कर देगी, समझे क्या? थैंक यू सर। सर, ये साक्षी सावंत और समीर साहब के बारे में सारे डिपार्टमेंट को पता है। समीर साहब की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मुझे लगता है सर, समीर साहब ने ही, मतलब तुम्हारा कहना है कि समीर कोटनीस ने साक्षी सावंत का मर्डर किया या करवाया होगा? नक्की नहीं सांगू शकत सर, पर ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता इसमें समीर साहब का कोई हाथ है। साक्षी को तो लगता था हमेशा सारे मर्द उसे ही देखते हैं। एक बार तो उसने पुलिस स्टेशन के बाहर सारे मर्दों को धमकी भी दे दी थी। जितने भी यहाँ पर सीनियर जूनियर पुलिस वाले काम कर रहे हैं ना, तुम सबको वार्न कर रही हूँ मैं, अगर मेरे साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की या इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना, तो कंप्लेंट करूंगी। तभी तो समीर साहब नवा नवा आए थे। साक्षी तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना, किसने मर्डर किया होगा? सर, विनोद जोग। विनोद जोग। विनोद जोग, ये कौन है? सर, साक्षी का बॉयफ्रेंड। वो दोनों शादी करने वाले थे, पर चोरी के मामले में उन्हें जेल हो गई, तो वो अभी कोरोना की वजह से पैरोल में बाहर है। उसकी फाइल लाओ। हो साहब। हाँ बोलो प्रगति। क्राइम ब्रांच वाले आपके बारे में पूछ रहे थे। हमसे तो उसने कहा था अबॉर्शन करवा लेगी, नहीं करवाया? नहीं कराया, इसीलिए तो पोस्टमार्टम में आया है। आप लोगों को तो मालूम होगा ना उसके बच्चे का बाप कौन था। क्यों काकी? मुझे कुछ नहीं मालूम। बच्चे का बाप है वो विनोद जोग, आप उसको पकड़ो। साक्षी पुलिस में होने के बावजूद भी उसे जेल जाने से नहीं बचा पाई। उसका बदला लेने के लिए उसने साक्षी का खून कर दिया, साथ साथ बच्चे को भी मार डाला। आपको भी ऐसा ही लगता है काकी? मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूं, जरूरत पड़ने पर दोबारा आऊं। तुम्हारा भाई कहाँ है? उसे मैंने घर से निकलने के लिए मना किया था। उसका कहना मैम, उसने नया नया किराने का दुकान लिया है, इसीलिए उसे वहां जाना पड़ता है। सर, साक्षी का फोन ट्रेस हो गया। गुड। लोकेशन? सर, एक घंटे पहले तक बड़ौदा था, लेकिन उसके बाद से फोन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। इसका मतलब उसका फोन कोई यूज नहीं कर रहा है, इसलिए बैटरी बाकी है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका फोन उसके कातिल के पास है और वो खुद को बचाने के लिए कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है? एक काम करो, जैसे ही फोन स्टेबल हो जाए लोकेशन ट्रेस करो। जी सर। सर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसका फोन ASI समीर कोटनीस के पास, क्योंकि समीर का खुद का फोन स्विच्ड ऑफ है और लॉकडाउन में इतनी आसानी से सिर्फ वो आदमी मूव कर सकता है जिसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं। समीर के घर जाके उसकी बीवी से बात करो। सर, मैं ऑलरेडी गया था, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि जैसे ही वो सस्पेंड हुआ वो अपनी फैमिली के साथ अपने गाँव धुले चला गया। तो तुम धुलिया जाओ पर्सनली और चेक करो। जी सर। सर, एक और बात, क्राइम स्पॉट के पास एक CCTV कैमरा मिला। वो तो बंद रहेगा अभी लॉकडाउन में। नहीं सर, वो चल रहा है। क्या? जी सर। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये है कि उस दुकान का ओनर अपने गाँव UP गया हुआ है। तो उसको फोन करो और चाबी का इंतजाम करो। सर, मैंने ऑलरेडी उससे बात कर ली, लेकिन वो मना करता। कोर्ट से ऑर्डर लो। जी सर। हेलो सर, दो बातें सामने आई हैं। सर, साक्षी सावंत का भाई सुनील सावंत का, सर, साक्षी की मौत के बाद उसने एक बड़े से किराने का बिजनेस खोला। सर, कहीं साक्षी की मौत का इसके बिजनेस के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? एक काम करो,
उसके बिजनेस के बारे में और भाई बहन के रिश्ते के बारे में पता करो। ओके सर। सर एक बात और, सर साक्षी के घर वालों ने उसके बॉयफ्रेंड विनोद जोग पर उसकी मौत का शक जताया है। विनोद जोग, ये नाम तो प्रगति देशमुख ने भी लिया था, उसको लेके आओ यहाँ। जी विनोद जोग। हाँ धर्मेश पापा, साक्षी को क्यों मारा? क्यों मारा साक्षी को? तो साक्षी का मर्डर मैंने नहीं किया है सर, फिर मैं उसको क्यों मारूंगा? मैं तो उसे प्यार करता था। अरे वो तो हम भी जानते हैं, तू उसको प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, तूने चोरी की थी ना, वो साक्षी को पता चल गया था और साक्षी ने सच्ची पुलिस वाली होने का फर्ज निभाया था, तेरे को माफ नहीं किया, तेरा मेली को हर्ट हो गया, पैरोल पे छुट के बाहर आया, तूने साक्षी का मर्डर किया और बदला ले लिया। नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर, मैंने साक्षी को कसम दी थी कि ये बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आज आपको मैं बताता हूं कि मैंने चोरी क्यों की थी। क्यों की थी? सर मैंने उसके साथ शादी करने के लिए चोरी जैसा घिनौना पाप किया था उसके कहने पर। साक्षी मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्यों? साक्षी हमारी शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं और शादी में तुम पर चढ़ाने के लिए गहनों का जुगाड़ नहीं कर पाया हूँ यार मैं। मेरी आई ने एक ही शर्त रखी है कि उनकी बेटी को शादी में 10 तोला सोना चढ़ा। मगर तूने वो नहीं किया तो आई को कैसे भरोसा होगा कि तुम शादी के बाद मेरा ख्याल रख पाओगे? साक्षी नहीं हो पाएगा। एक आइडिया है। क्या? तुम ना छोटी मोटी ज्वेलरी शॉप में चोरी कर लो। क्या पागल हो गई हो तुम? अरे सही किसी वो किसी ने पकड़ लिया तो? तो मैं पुलिस वाली किस काम की? मैं हूं ना। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ मरे हुए इंसान के बारे में कहानी सुनाता है? नहीं सर। अब ये भी बोलेगा तू उसके पेट में जो बच्चा था वो तेरा नहीं था? बच्चा? सर वो मेरा बच्चा नहीं था सर, हमारे शारीरिक संबंध थे ही नहीं। वो तो डीएनए टेस्ट से पता चल जाए क्या सच है क्या झूठ है, इसको डीएनए टेस्ट के लिए लेके जाओ। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, और साक्षी के फिटनेस से इसका डीएनए मैच करके देखो, सब पता चल जाएगा। सर मेरी बात सुनिए सर, सर प्लीज सर, सर सर साक्षी का मर्डर मैंने नहीं किया है, ना ही मैं उसके बच्चे का बाप हूँ सर। सर रिकॉर्ड्स के मुताबिक विनोद को जेल 20 दिसंबर को हुई थी और मौत के समय साक्षी 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी सर, सर ऐसे में वो बच्चा विनोद का तो नहीं हो सकता? नहीं वो कैलकुलेशन तो मैंने भी किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विनोद कातिल नहीं है, ऐसा हो सकता है बच्चे का बाप कोई और हो और कातिल कोई और। राइट सर, सर इसका मतलब साक्षी के मर्डर का मोटिव वो बच्चा नहीं कुछ और हो सकता है? जब विनोद के कॉल डिटेल्स का क्या हो? सर वो आने वाले। और साक्षी के कॉल डिटेल्स? सर वो भी। जैन मैडम, साक्षी के पड़ोस वालों से एक बात पता चली है। तुम्हारे पड़ोसियों से पता चला है कि तुम्हारा तुम्हारी बहन साक्षी के साथ नहीं जमता था। दो बहनों में लड़ाई किस घर में नहीं होती साहब? नहीं लेकिन जिस घर में दो बहनों का झगड़ा होता है उस घर में छोटी बहन बड़ी बहन को धमकी नहीं देती। धमकी? वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे तुझसे नीचा दिखाते आए, हमेशा सब कहते थे तू गोरी है और मैं काली, तू पढ़ने में फर्स्ट आती है और मैं तो फेल ही हो जाती हूँ। बाबा की तो तू लाडली थी और पुलिस में नौकरी मिलने के बाद तू आई की भी लाडली हो गई। तू पागल पागल हो गई है मंदा, ये क्या बकवास किया जा रही है तू? हाई बाबा के लिए ना बचपन से तू सुनील और मैं तीनों ही एक बराबर थे। ताई तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातें ना रहने दे, शादी से पहले मायके में सब मुझे नीचा दिखाते थे और शादी के बाद अब पति मुझे नीचा दिखाता है, नफरत करता है ताई वो मुझसे नफरत करता है। शादी क्यों तूने उससे शादी नहीं कर ली? तेरी शादी नहीं हो रही थी मंदा, आई ने मजबूरी में मेरी फोटो भेजी और शादी तेरी करा दी। रोज वो मुझे नोचता है ताई और कहता है कि मुझे पत्नी नहीं मानता, उससे मेरी शादी धोखे से हुई थी, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मैं इस बात का बदला लेके रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे ताई।
अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ गलत कर रहा था तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? पुलिस कंप्लेंट का क्या फायदा साहब? एक बार शादी हो जाए तो औरत को शादी में एडजस्ट करना पड़ता है, वरना शादी टूट जाती है। और एक बार शादी टूट जाए तो उस औरत का इस समाज में कोई अस्तित्व नहीं होता। अच्छा, इसलिए तुमने साक्षी का अस्तित्व मिटा दिया? नहीं सर, हम दोनों के झगड़े होते थे। मैं लड़ सकती हूँ, मार सकती हूँ, लेकिन मार नहीं डालूंगी। ठीक है, जाओ तुम, जरूरत पड़ने पर बुलाएंगे। इसका मोबाइल लोकेशन निकलवा। इसका भाई सुनील, उसका क्या हुआ? सर, उसके बारे में इंक्वायरी निकलवाई है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन भी बुलाया है। बोल रहा था आऊंगा पर अभी तक आया नहीं। उसकी खबर लो। समीर, समीर, समीर। हैं? क्राइम ब्रांच। नशा उतर गया तो सवाल जवाब करे। क्या चाहिए आपको सर? हाँ, साक्षी को क्यों मारा? क्या साक्षी? साक्षी मर गई? मैंने उसे नहीं मारा है। तूने नहीं मारा होगा उसको, किसी के हाथ से मरवाया होगा। अरे नहीं सर, मैंने साक्षी को नहीं मरवाया, मारा भी नहीं है। चोर की तरह छुपके क्यों बैठा था? और क्या करता सर, डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। जहां जाता हूँ सब लोग थूकते हैं मुझे। उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया तो खुद को मैंने शराब में डुबो दिया। खुद को शराब में डुबो दिया या साक्षी को डुबाया? उसका जश्न मना रहा था। अरे कौन सा जश्न मनाऊंगा मैं, किस बात का? साक्षी 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। तूने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके साथ चला गया, तेरी शादी भी बच गई। अरे नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था। और वैसे भी वो मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। अरे साक्षी, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। आओ आओ मेरे साथ। अरे आओ ना। ये क्या है? तुम्हारे लिए साक्षी। जाओ जाओ पहन के आओ। तुम सारे मर्द ना वन ट्रैक माइंड के होते हो। लड़की पटी नहीं कि बस सीधे बिस्तर पे, और एक बार वो सो जाए तो सीधे बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है तो पहले शादी करते हैं, फिर जैसा तुम बोलोगे ना वैसी रहूंगी, और जो बोलोगे वही पहनूंगी। अरे मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा है। इसको डीएनए टेस्ट को लेके जाओ और साक्षी के फिटनेस से मैच करके देखो। इसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाओ। जी सर। साक्षी का मोबाइल इसके पास नहीं मिला, उसका लोकेशन ट्रेस किया? सर, साक्षी का फोन वापस से पुणे की तरफ मूव हुआ था। हमने घोड़बंदर पे एक टीम को ट्रेस करने के लिए लगाया था, लेकिन इतनी गाड़ियां, ट्रक्स और कार्स थे कि वो लोग ट्रेस नहीं कर पाए। अभी का लोकेशन क्या है? सर, फिलहाल उसका फोन पुणे से मुंबई की तरफ ट्रैवल हो रहा है। एक टीम को भेजा है उसे ट्रेस करने के लिए। कितना टाइम प्रताप? वो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है, अभी तक वो डिस्चार्ज हो जाएगा, हमारे हाथ से क्लू निकल जाएगा। आई नो सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, साक्षी सावंत और मंडा सावंत की कॉल डिटेल्स आ गई। कुछ सस्पिशियस मिला? नहीं सर, सर दोनों की कॉल डिटेल्स क्लीन है। सर, साक्षी सावंत के मरने से बहुत दिन पहले ही विनोद जोग और समीर कोटनी से उसकी बातचीत भी बंद हो चुकी थी। अरे विनोद जोग के कॉल डिटेल्स? सर वो भी क्लीन है। तो उससे मिलने की बहुत कोशिश की, पर तू तो क्राइम ब्रांच वालों से मिलना ही नहीं चाहता। वैसे भी मुझे तुम पुलिस वालों से ना बहुत नफरत है। पहले मेरा बाप मरा पुलिस की नौकरी में, और अब मेरी बहन। तेरी बहन मरी नहीं, उसका मर्डर हुआ। मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। पड़ोसियों से पूछताछ की है, उनसे ये पता चला है कि जितनी नफरत तू पुलिस से करता है ना, उतनी ही अपनी बहन से भी किया करता था। मैं अपनी बहन से नफरत इसलिए करता था क्योंकि वो पुलिस में थी।
वो पुलिस में थी या फिर इसीलिए नफरत करता था क्योंकि वो बिना शादी के माँ बनने वाली थी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत सारा काम है, होम डिलीवरी करनी है, सब ऑर्डर्स। उधर तेरी बहन का मर्डर हुआ है और इधर तू किराना शॉप का मालिक बन गया, तुझे कुछ अटपटा सा नहीं लगा? तुम पुलिस वालों को है ना शक्करनी की बीमारी होती है बहुत बड़ी। पुराना सेठ था, उसे कोरोना का डर था, अभी कोई दुकान खरीदता नहीं तो मुझे दे दी। वैसे भी इस सब से मेरे बहन का मर्डर का कोई संबंध नहीं। चल अपने सेठ का नंबर दे। सर, क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। देखो सही, देखिए क्या ये ट्रक है, क्राइम सीन का है। सर एक मिनट, मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर। आज अगर एक ट्रक नहीं होता ना तो क्राइम और क्रिमिनल दोनों को कैप्चर कर पाते हम लोग। जी सर। सर इस ट्रक के बारे में पता करने की कोशिश की, ये ट्रक यहाँ गुजरात से डिलीवरी के लिए आया था लेकिन सर इसके रजिस्ट्रेशन नंबर का पता नहीं चल पाया इसलिए ओनर से बात नहीं हुई है। मोबाइल का लोकेशन भी गुजरात से ट्रैवल कर रहा था ना? जी सर। प्रताप, कहीं ऐसा तो नहीं साक्षी ने मरने से पहले मोबाइल ट्रक में फेंक दिया? या ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक वाले ने साक्षी का मर्डर किया और वो मोबाइल साथ लेके गया। अभी मोबाइल का लोकेशन क्या है? सर हम ट्रेस कर पाते उसके पहले फोन स्विच ऑफ हो। हमारे हाथ से बहुत बड़ा क्लू निकल गया प्रताप। जी सर। और हाँ सर, साक्षी की फीटस का डीएनए रिपोर्ट आ गया। क्या है? सर उसके फीटस का डीएनए समीर या विनोद के डीएनए से मैच नहीं करता। प्रताप तुम्हें याद है कांस्टेबल प्रगति ने क्या कहा था? साक्षी ने पुलिस स्टेशन के सारे मर्दों को धमकाया था। अगर मेरे साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की या इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना तो कंप्लेंट करूंगी। क्या ऐसा तो नहीं? जी सर। एक काम करो, इस पुलिस स्टेशन के सारे मर्दों का डीएनए टेस्ट करा और वो साक्षी के फिटनेस से मैच करके देखो। सर। बड़ा दानवीर करना बन रहा है तू। तूने सुनील को ऐसे शॉप चलाने के लिए दे दी? नहीं दिया नहीं मैडम। दूर 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 रह के बात कर। एक तो मास्क नहीं पहना हुआ, मालूम नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। नहीं दिया नहीं मैम, मैंने बेचा है 5 लाख रुपए में। 5 लाख? किसने दिए पैसे? वो साक्षी सावन ने, और ये बात उसके भाई को बताने के लिए उसने मना किया था। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि साक्षी सावन ने पैसे दिए? सब लिख के रखता हूँ मैम मैं ये इसमें। हाँ मैम, वो उसने ना 25-25 हज़ार करके 2 महीने में उसने 4 लाख रुपए दिया और 1 लाख रुपए का चेक दिया था। हवालदार के पास इतना पैसा कैसे आ सकता है? और वो करप्ट थी इसका भी कुछ प्रूफ नहीं है अपने पास। एक काम करो, वो दुकान मालिक संदीप म्हात्रे और साक्षी सावंत इन दोनों के बैंक डिटेल्स निकलवा और वो 1 लाख का ट्रांजेक्शन कैसे हुआ था पता करो। यस सर। सर, संदीप म्हात्रे को 1 लाख रुपए किसी जगदीश रोहित के अकाउंट से ट्रांसफर हुए और सर मैंने जब उससे बात की तो उसने डर के फोन कट कर दिया पर अभी फोन स्विच ऑफ है। पता करो ये जगदीश पुरोहित का साक्षी के साथ क्या कनेक्शन था और इसका मोबाइल डिटेल भी निकलवा। और सर एक और बात, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षी का भाई और उसकी माँ सर कुछ ना कुछ तो छिपा रहे। पुलिस द्वारा कराए गए सभी डीएनए टेस्ट के रिजल्ट एक एक करके सामने आ रहे थे। पुलिस स्टेशन में मौजूद किसी भी पुलिस कर्मी का डीएनए साक्षी सावंत के फीटस के डीएनए से मैच नहीं कर रहा था। फिर पुलिस ने साक्षी सावंत से संबंधित हर पुरुष का डीएनए टेस्ट करवाया और आखिरकार ये बात खुलकर सामने आ गई कि साक्षी किससे प्रेग्नेंट थी। छुप के बैठा था ना, अब सच सच बता साक्षी को तूने उसके होने वाले बच्चे के कारण मारा ना? कसम से साहब, मैंने नहीं मारा साक्षी को। हाँ पर क्या? हाँ पर मैंने धोखे से उसके साथ संबंध बना लिए थे। संबंध क्यों बनाए थे? क्या है ना साहब, मैं हमेशा एक इंटेलिजेंट लड़की के साथ शादी करना चाहता था जो पढ़ी लिखी हो, काम धंधा करने वाली हो, लेकिन सब मुझे ये लोगों ने साक्षी का फोटो दिखाकर मंदा के साथ शादी करवाई मेरी साहब, और मेरे को बहुत गुस्सा आया था उस बारे में। उसका बदला लेने के लिए मैंने साक्षी के साथ संबंध बनाए साहब।
अरे साक्षी, कितना पढ़ाई करोगी? ये लो, दूध पी लो। सुबह कर लेना पढ़ाई। क्या तुमने कल रात को मेरे साथ? वही जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। अरे मैंने तो तुम्हारी फोटो देख के शादी के लिए हाँ कह दी थी। मैं तो अब भी तुम्हें ही अपनी पत्नी मानता हूँ। रेप केस में ना 8 साल के लिए अंदर जाओगे। डाल दो अंदर। लेकिन सोच लेना तुम्हारी बहन का क्या होगा। अरे वैसे भी वो तुमसे नफरत करती है और इसके बाद तुम्हारा चेहरा भी देखेगी क्या? वो मैं भी उसके बाद उसको छोड़ दूंगा। कौन करेगा दूसरी शादी तेरे बहन के साथ? चलो दोनों नीचे, नाश्ता लग गया। बहुत बहुत मारना मत ना साहब। वो बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये राज वो सबको बताने वाली थी, इसलिए तूने उसको मारा। साहब जितना पीटना है उतना पीट लो साहब, लेकिन सच बच बता रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा साक्षी को साहब। सर एक मिनट, जब तक सच नहीं बोलता तब तक पीटते रहो। साहब मैं सच बात बता रहा हूँ साहब। बोलो। साक्षी का फोन ट्रेस हो गया। गुड, कहाँ मिला? एक सेकेंड हैंड फोन डीलर के पास। सर उस फोन में कुछ मिला है। सर, सर जगदीश पोहित का पता चल गया है। वो साक्षी सावंत का नहीं बल्कि उसके किसी जानने वाले का रिश्तेदार है। कहीं इस जानने वाले का तो नहीं? यस सर। साक्षी का मोबाइल डाटा हमें मिला और ये भी बात पता चलेगी तुम्हारा रिलेटिव जगदीश पुरोहित, उसके कहने पे तुमने संदीप मात्रे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इतना ही नहीं, तुम्हारा मोबाइल लोकेशन ये भी दिखाता है कि वारदात के जगह पे तुम थे। और एक खास बात, वो रस्सी, जिस रस्सी से तुमने साक्षी का गला घोट के उसे मारा था, वो रस्सी हमें तुम्हारे घर से मिली। तो अभी सब क्लियर है कि साक्षी का मर्डर तुमने ही किया था, कबूल कर लो। हाँ सर, साक्षी सावन को मैंने ही मारा। क्या पिंगले साहब, सुबह सुबह बारिश में, अरे ऐसी क्या घाई थी, शाम को पैसे दे देते। मैंने सोचा ड्यूटी पर जाने से पहले काम पूरा कर दो। सही सोचा, लाओ दो। इधर कोई देखेगा? इधर एक काम करते, उस तरफ चलते। मैंने उसका मोबाइल ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। वो उसी मोबाइल ने तो हमें तुम तक पहुंचाया है। अब बताओ साक्षी को क्यों मारा? ब्लैकमेल करती थी वो मुझे, ब्लैकमेल कर करके मेरी सारी जमा पूंजी चूस ली थी उसने। तुमको ब्लैकमेल करती थी? अरे उसके कनेक्शन में तो तुमसे ज्यादा इज्जतदार अमीर लोग थे, फिर तुमको क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? क्योंकि मैं उसे प्यार करता था। हाय, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम है साक्षी, लगते नहीं कि ये हाथ किसी पुलिस वाले के हैं। ये हाथ स्कूटी चलाने के लिए नहीं बने हैं बल्कि किसी बड़े से बाइक पर पीछे बैठ के किसी का कंधा कसकर पकड़ने के लिए बने हैं। और इस बात को उसने सबके सामने मुझे इनडायरेक्टली एक्सपोज करने की धमकी दी थी। तुम सब जितने भी सीनियर जूनियर यहाँ पर काम करते हैं ना, तुम सबको वार्न कर रही हूँ मैं, अगर मेरे साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की या इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना, तो कंप्लेंट करूंगी। मुझे टेंशन आ गई थी सर, कई बात और ना बढ़ जाए, इसलिए मैं उसे सिर्फ समझाना चाहता था। तेरे को पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करके ना सिर्फ 1 साल हुआ है, अगर आगे बढ़ना है ना तो सीनियर्स को खुश करना पड़ेगा और तू कंप्लेंट करेगी।
क्या करेगी? कंप्लेन करके? चल अब गुस्सा थूक दे और बता रात को आएगी क्या मेरे कमरे में? तेरी तो कंप्लेंट भी नहीं करूंगी, तुझे तो मैं यूं ही निपट लूंगी, समझा बुड्ढे? पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा था मुझे और ना बोला था, और जब कोई औरत ना बोलती है ना तो उसे पाने की तलब और भी बढ़ जाती है। कोरोना में हम सबकी ड्यूटी कंटेनमेंट जोन के बाहर लगी थी। लेडी कॉन्स्टेबल्स पास वाली सरकारी ऑफिस का वॉशरूम इस्तेमाल करती थी। देख अगर तू मेरे साथ नहीं सोई तो तेरा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे बचाती है तू अपनी इज्जत। और तेरे से ज्यादा होशियारी निकली हुँ? उसने तेरे एक्ट को रिकॉर्ड किया। देख अगर तू मेरे साथ नहीं सोई तो तेरा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे बचाती है अपनी इज्जत। पूरे 5 लाख हो गए, अपने पैसों में तो नई नौकरी लग जाएगी। क्या है ना पिंगले साहब, मेरे भाई का काम थोड़ा ठीक से चल जाए फिर मैं आपसे कुछ नहीं लूँ, पक्का। और आगे से मैंने पैसा देने के लिए इनकार कर दिया तो? आपको पता है ना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी नौकरी, आपकी इज्जत, आपकी फैमिली, आपके पास ना आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा। और फिर तुमने साक्षी को मार कर वो मोबाइल हथियाने की कोशिश की, लेकिन वो मोबाइल हमारे हाथ लग गया। अब वही मोबाइल तुझे जेल के सलाखों के पीछे भेजेगा और वही मोबाइल तेरी इज्जत का पंचनामा करेगा। साक्षी सावंत वैसे तो एक निष्ठावान पुलिसकर्मी थी, लेकिन उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। साक्षी की बहन मंदा की धोखे से सतीश से शादी करना इस जुर्म की सबसे पहली दस्तक थी, जिसे साक्षी ने एक पुलिसकर्मी होते हुए भी दरकिनार किया। फिर मधुकर पिंगले का साक्षी को ब्लैकमेल करना और फिर साक्षी द्वारा मधुकर की ट्रिक को उसी पर अपनाना बिल्कुल सही नहीं था। महामारी के इस समय में सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करें और कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में सरकार और कोविड वॉरियर्स की मदद करें। गलत रास्ते पर चलकर सही मंजिल को पाना नामुमकिन है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। संयुक्ता भाभी, अरे सुनो भाभी, आइए बच्चा, आई मम्मा, भूख लगी है, ये दूध पियो। अरे निकू बिल्कुल मुझ पे गया है, डिट्टो मेरी कॉपी है ना? हाँ दादा, दूर रहो मेरे बेटे से। तुम्हारे बेटे से? हम दोनों का खून गुला है इसमें, जैसे हम दोनों। मत बोलो, अपनी हद पार मत करना। रोशन तू यहाँ क्या कर रहा है? देखिए ना वसंत जी, कि ये फिर से हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आ गया। बोल रहे कि निक, बाप हूं मैं निक्कू का, जानते हैं ये, इनमें कहां दम है जो तुम्हें माँ बना दे। क्या बकवास कर रहा है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए। देखा, संजीवता ने बचाया मुझे। मरते हुए नहीं देख सकती ना, प्यार जो करती है मुझसे। रोशन देख, तुझसे ज्यादा भरोसा मैं संयुक्ता पे करता हूँ। चुपचाप यहां से चला जा, ठीक नहीं होगा तेरे लिए, जान से मार दूंगा तुझे मैं, समझा? चल फुट यहां से, चल भाग, भाग यस। हमारे घर में घुस के हमें गुंडाई करते हो?
क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? रुक। संयुक्ता डार्लिंग, अबे नंबर तो ऐसे सेव किया जैसे संयुक्ता सच में तेरी डार्लिंग हो गई है। मेरी थी वो। ए साला फोन लेके चले गए हमारा तुम। भूषण हम कर हमारा फोन वापस कर दो, ठीक नहीं होगा। तेरा फोन बेच के ना घर का किराया भरूंगा मैं। तेरी वजह से किराए के घर में रहना पड़ रहा है मुझे। भूषण इस आदमी को सीधा करने के लिए कुछ ना कुछ टेढ़ा करना पड़ेगा। बस भैया। हाँ उदित मुझे पता है मुझे क्या करा। टोन पर। अच्छा सुनो ऑफिस आ गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। पानी मैडम, पानी। थैंक यू दिलीप जी। आगे से नहीं आएगा स्मेल आपको। ये 270 रुपए का परफ्यूम खरीद लिए हम। अच्छा दिलीप जी, मेरी ना डेस्क ढंग से साफ किया कीजिए प्लीज। हाँ देखिए स्टेन्स है वहाँ। अभी कर देते हैं मैडम उसमें क्या। पावनी आज से तुम यहाँ नहीं बैठोगी। सर ऐसे क्या देख रही हो? आज से तुम इस ऑफिस की मैनेजर हो। What? Really? Thank you so much, sir. You deserve it. Come with me. तुम्हारे नए केबिन में बैठ के नए काम को डिस्कस करते हैं। आओ। Sure. यार फोन तो बहुत अच्छा है लेकिन मैं अपनी दुकान पे चोरी का माल नहीं रखता। और वैसे भी अगर तेरे भाई ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो मैं तो फंस ही जाऊंगा ना। अरे हाफिज मेरे यार, मेरा भाई है ना, खुद मेरा मर्डर करके जेल जा सकता है पर पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा। दे दे जो देना है यार, बहुत कड़की चल रही है। अरे यार कड़की लगी तो कोई नौकरी वोकरी कर ले, अच्छा खासा बीए पास है, क्यों अपना गोल्डन टाइम वेस्ट कर रहा है। काहे का गोल्डन टाइम, आयरन से भी सस्ता हो गया टाइम। साला आयरन ही देख। माँ के चले जाने के बाद संयुक्ता लाइफ में आई, मैं सोचा माँ की कमी माशूका पूरी कर देगी, फिर साला सब कुछ। बस बस अब हमेशा की तरह ओल्ड फ्लैशबैक वाली स्टोरी मत सुनाया कर। फ्लैशबैक के आगे की स्टोरी सुनेगा? नया करने वाला हूँ कुछ। क्या करने वाला है? आई होप तुम्हें लाइफ में वो सब कुछ मिल गया है जो तुम्हें चाहिए था, इंक्लूडिंग मी। तुम्हें पता है हमारे ऑफिस का जो प्यून है ना, उसकी भी परफ्यूम की सेम स्मेल जैसे हमारे परफ्यूम से आ रही है। तुम मुझे अपने ऑफिस के पियोन से कंपेयर कर रही हो? हाँ बोल रहे हो तुम। मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं। सेलिब्रेट नहीं करोगी तुम, तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास करोगी और जब मेरे से मन भर जाएगा तो किसी और के पास चली जाओगी। एक मिनट सोनिल, मैंने ना इतना कुछ कहा नहीं, ओके? ना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत। एक काम करो तुम ना उतर जाओ। क्या? उतर जाओ गाड़ी से, आई कांट हैंडल दिस राइट नाउ। अरे पर मैं यहाँ कहाँ? मुझे नहीं पता, प्लीज गाड़ी से। कहाँ जाना है मैडम? पर आपके पास तो ऑलरेडी सवारी है। अरे नहीं शेयरिंग ऑटो है, अभी एक आंटी को लक्ष्मी नगर उतारा है, इनको दिलशाद गार्डन जाना है। आपको दिलशाद गार्डन? हाँ 30 रुपए सवारी। भैया कहाँ लेके जा रहे हो? भैया हेलो, अरे
हाँ पावनी। हेलो पावनी, क्या हुआ? चंद्रनगर क्रॉसिंग पर एक ऑटो वाला पापा, पापा। पावनी, हेलो हेलो। क्या हुआ? पावनी का फोन था, क्या बोल रही थी? अरे बताइए ना। अरे पता नहीं, इतना ही बोल पाई कि वो संतनगर क्रॉसिंग के पास है। चलते निकाल। चुप रह। अबे जल्दी करना। अरे भाई लाश का वजन बढ़ गया फूल करके। इसे देखा कहीं? यहीं पे थी वो। कंट्रोल रूम में कॉल आप ही ने किया था? हाँ जी, मेरी बेटी पावनी वो किडनैप हो गई है। उसका फोन आया था, यही संतनगर क्रॉसिंग पे पास ही थी। संतनगर क्रॉसिंग पर एक ऑटो वाला पापा। फिर उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। मैंने यहाँ आके पता करने की कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है सर, कहाँ। देखिए आप घबराइए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। आप हमें आपकी बेटी का फोन नंबर और फोटो दे दीजिए। ये मेरी बेटी पावनी, ये उसका नंबर है 98200। पता करो आसपास। अच्छा आपकी बेटी पावनी आ कहाँ से गई और ऐसे कहाँ हैं आप लोग? हम लोग दिलशाद गार्डन में रहते हैं, उसका ऑफिस यहाँ ये एविटेल प्लाजा में है, इसी रास्ते से घर आते हैं हमेशा। शक है किसी पर आपको? देखिए सर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किडनैपिंग के महज एक घंटे के अंदर ही पुलिस पूरी मुस्तैदी से पावनी की तलाश में जुट गई और पुलिस के लिए इस किडनैपिंग का मकसद समझना बेहद जरूरी था। नवीन जी, हम आपकी बेटी पावनी को सही सलामत ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हमें किडनैपिंग के मकसद को जानना होगा। आप जरा अच्छे से याद कीजिए, आपकी बेटी पावनी की ना सही, क्या आपकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी है जो आपकी बेटी के जरिए आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नवीन जी शायद आपको रैंसम के लिए कॉल आया, अगर ऐसा होता है तो तुरंत हमें आप इन्फॉर्म करना। हाँ शर्मा सर, आसपास की सभी पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट भेजा लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिली। संतनगर के पास एक ऑटो स्टैंड भी है लेकिन फिलहाल वहां से भी कुछ पता नहीं चला है कि पावनी किस ऑटो में होगी। पावनी ने अपने फादर को फोन किया था 4 बजे, 1.5 घंटा हो चुका है। तो किडनैपर्स पावनी को लेकर बहुत दूर तक निकल चुके होंगे। किडनैपर्स सेक्सुअल ऑफेंडर्स भी हो सकते हैं। शर्मा, इससे पहले कि वो पावनी को नुकसान पहुंचाए हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना होगा। बेटे से हम दोनों का खून गुना है इसमें। क्या भाई, क्या अचानक मेरे घर आने का प्लान कैसे बना लिया? और ये गाड़ी किसकी मार ला है गुल्लू? अबे गाड़ी का छोड़, तुझे दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर क्या है। क्या लाया भाई, तू तो बहुत बड़ा जुगाड़ू आदमी है। मजा आ जाएगा देख यार। छोरी ना देखी कभी, घर ने ताला लगा रखा। चाबी निकाल, चाबी निकाल, चाबी निकाल। अरे यार हमारी कजिन किडनैप हो गई है, तुम तो बड़े बड़े नेताओं को जानते हो। अरे जरा जैक लगाओ, जैक लगेगा तो पुलिस भी अच्छे से काम करेगी। अरे जल्दी बताओ हमको यार। हाँ अरे मौसी जी आप कहाँ टेस हुए बाहर रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, हमने चारों तरफ फोन घुमा दिया है। अरे कुछ नहीं होने देंगे हम पावनी को। वो पावनी का कुछ पता चला?
मौसा जी आप भी कमाल करते हैं, मौसी ने हमको बताया, आप फोन करके नहीं बोल सकते थे क्या हमको? हाँ अच्छा एक फोन तो कर दियो तो हम थाने दौड़ के आ जाते हैं। अच्छा ठीक है FIR का कॉपी दीजिए हमको, हम देखते कुछ जुगाड़ लगाते हैं। I like चोर जबरदस्ती very much. तू जितना आउच करेगी ना मैं उतना वाव वाव करना करना और करना और साड़ी क्या कर रहा तू? क्या कर रहा है वह? मैं पता ना इसके साथ पहला नंबर मारा है। अबे तो चेहरा क्यों बिगाड़ रहा है इसका? पैसे मिलने तक सही सलामत रखना है इसको, तोड़ना ही है तो जाके उसको तोड़। वो हाफिज पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है साला। छोड़ दे। तुझे उठाने की सुपारी मिली है। तो कल ऑफिस से जल्दी चली गई थी। जल्दी चली गई? क्या बोल के गई थी कि वो कहाँ जा रही है? सर कल उसका प्रमोशन हुआ था तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो फ्रेंड्स कौन है और वो कहाँ सेलिब्रेट करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में उसके प्रमोशन को लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। पावनी को सब पसंद करते हैं। सीसीटीवी की फुटेज चेक करो, शायद ऑटो रिक्शा वाला इसमें कैप्चर हुआ। राइट सर, और अपनी टीम आसपास के सभी ऑटो स्टैंड पर भी पहुंच चुकी है। गुड, जैसे कुछ मिलता है इमीडिएटली मुझे अपडेट। सर हाँ क्या क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? अरे वो खाने के बारे में पूछने जा रहा था लड़की से। सब पता है क्या खाना चाह रहा है तू, सब मिलेगा। चल जा, देता हूँ मैं खाना। चल पावनी तो इस गाड़ी से जा रही है। उसने तो अपने फादर को फोन करके बोला था कि कोई ऑटो रिक्शा वाला उसको किडनैप कर रहा है, तो फिर पावनी की किडनैपिंग में इस गाड़ी का क्या रोल है? चलो पता करो गाड़ी किसकी। खाना का जब तक जिंदा है मौज ले। इस गंदे कमरे में बदबूदार लोगों के बीच में ये गंदा खाना खाऊंगी? मानना है ना मुझे तो अभी मार डालो। दम घुटता है मेरा इस कमरे में। अभी और घुटेगा जब बदबूदार भूखे भेड़िए तुझे नोचेंगे, चीखेगी चिल्लाएगी, पर तुझे हर वो सजा मिलेगी जो पार्टी की मांग है। चल खा। नहीं खाना मुझे। अरे सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। देखो ना, अरे क्या किया ये आपने? आपको पता है ना मुझे मेरे कमरे में दाग धब्बे बिल्कुल पसंद नहीं आते। घिन आती है मुझे गंदगी से, गंदगी में ना सांस भी नहीं ले पाती मैं। अरे तुम
टेंशन ना लो, हमने सब जुगाड़ लगा दिया। अच्छा बाद में बात करते हैं। सोहेल जैदी, पावनी सोहेल की कार में? जी, और सोहेल भी गायब है, उसका घर भी बंद है, मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। आपको कोई अंदाजा है कहां हो सकता है सोहेल? ये सोहेल लखनऊ का रहने वाला, उसके पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं। ठीक है, उसके पेरेंट्स का नंबर दे दीजिए। नहीं, हमारे पास नहीं है। लेकिन आप पावनी का पता कीजिए ना, 12 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है। और रैंसम के लिए अभी तक आपको कॉल भी नहीं आया है। आप लोगों को कुछ अंदाजा है किस मकसद से किडनैपिंग हुई होगी पावनी की? कुछ बता सकते हैं, पावनी और सोहेल के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन थी, कोई झगड़ा, कोई इशू? वो दोनों साथ में पढ़े कॉलेज में, हमें नहीं लगता कि उन दोनों के बीच कोई इशू है। बाय बाय। अरे ये क्या पावनी, इसे दरवाजे से भेज रहे हो? अंदर नहीं बुलाओगे? आओ बेटा, आओ अंदर आओ। नहीं अंकल, इसे जब भी कैब सर्विस की जरूरत होती है ना, मुझे बुला लेती है बस। अरे इसके कहने पे नहीं सही, मेरे कहने पे तो आ जा। चलो साथ में कॉफी पी के आओ। अंकल कुछ काम था, बाद में आता हूँ। चलिए। बड़ा अच्छा लड़का, मुझे तो बहुत पसंद है। तेरा क्या ख्याल है? किस बारे में? अरे किस बारे में क्या, तुम्हारी शादी के बारे में। ओहो मम्मा, शादी वादी छोड़ो, आपको पता है मेरे पास एक गुड न्यूज है, आज बॉस ने ऑफिस में मेरा इंक्रीमेंट कर दिया। पावनी अपने करियर को लेकर ज्यादा फोकस है, इसलिए उसके शादी की कोई जल्दी नहीं है। सर हो सकता है सोहेल को इसी बात से प्रॉब्लम हो। शिवात पावनी ने खुद कही थी तुमसे? नहीं सर, बताया तो नहीं था, पर सोहेल भी तो कई दिनों से गायब है। अच्छा, हाँ शर्मा, लेट्स गो। सोहेल ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी एंड। और तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पावनी सरप्राइज है, पहले नहीं बताया जाता है, कौन यार। सोहेल मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी, तुम्हारे शराबी दोस्तों के साथ नहीं। शराबी? तुम मेरे इंटेंशन पे डाउट कर रही हो? पावनी हमारी शादी होने वाली है और तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है? आइए सर, हमारी पेट्रोलिंग टीम को ये ऑटो यहाँ खड़ा मिला था और यहाँ पास में एक आदमी की लाश भी पड़ी है। इस ऑटो का नंबर फेक है सर, इस बात के पूरे चांसेस हैं कि पावनी की किडनैपिंग इसी ऑटो से की गई होगी। मतलब किडनैपर्स ने इस ऑटो को जानबूझकर यहाँ पर छोड़ा होगा और पावनी को किसी दूसरे व्हीकल से लेकर चल गया। इस आदमी को भी किडनैपर्स नहीं मारा होगा। ये किडनैपर्स बहुत खतरनाक लगते हैं सर, और पावनी पिछले तकरीबन 20 घंटे से उनके कब्जे में है। मैं इस रास्ते पर आने वाले सभी सीसीटीवी चेक करवा रहा हूँ सर, शायद किडनैपर्स की कोई लीड मिल जाए। किडनैपर्स सोहेल से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, सोहेल के बैकग्राउंड अच्छे से खंगालो। ये किडनैपिंग बहुत ही प्लानिंग के साथ की गई लगती है। पावनी पिछले दो दिन से किन किन से मिल रही थी, कहाँ कहाँ जा रही थी, सब कुछ पता करो। इस आदमी की आइडेंटिटी पता करो और ऑटो के चेजेस नंबर से ऑटो के ऑनर का पता करो। सर साहब, इस लड़की को तो मैं नहीं जानता, लेकिन कल एक दूसरी लड़की इस ऑटो स्टैंड पे आई थी जिसे देख के बहुत अजीब लगा। ऑटो, ऑटो दिलशर गार्डन। अरे मैडम ये क्या हुआ? कुछ नहीं, आप दिलशर गार्डन चलिए। साहब फिर मैंने उनको दिलशर गार्डन छोड़ दिया। दिलशर गार्डन? दिलशर गार्डन में तो पावनी भी रहती है, दूसरी लड़की का पावनी के किडनैपिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते हैं सर, लेकिन सर उस दूसरी लड़की ने कल उसी वक्त संत नगर से एक ऑटो पकड़ा था जिस दौरान पावनी की किडनैपिंग हुई थी। पता करो ये दूसरी लड़की कौन। सर क्राइम सीन पे जो ऑटो मिला था उसके चेसी नंबर से उसके ओनर का पता चला, मुंदगा के किसी बसंत सिंह ने वो ऑटो कुछ ही दिन पहले परचेस किया था। मुंदगा पुलिस से कॉन्टेक्ट करो और उठा लो बसंत सिंह को। मुंदगा पुलिस से बात हुई सर, बसंत का मर्डर हो चुका है। व्हाट? यस सर,
आज ही मुंदका में उसकी लाश मिली है। बसंत को भी चाकू से मारा गया। ये काफी सरप्राइजिंग है सर। बसंत एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसके पास ऑटो का होना काफी अटपटा है। मुझे तो ये पूरा केस ही अटपटा लग रहा है शर्मा। तुमने कहा कि वसंत सिंह की लाश मिली है मुंदका में, और वसंत सिंह का ये ऑटो जिसमें शायद पावनी को किडनैप किया गया है, वो मिलता है मुंदका से 25 किलोमीटर दूर महावीर नगर में, जहां पर हमें इस आदमी की लाश मिली जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन सर, इन मर्डर्स का पावनी के किडनैपिंग से कोई तो कनेक्शन है। बसंत की एक पत्नी भी है सर, संयुक्ता, उससे मिलकर बात करके देखते हैं। अच्छा, सोहेल का क्या लीड है? लखनऊ पुलिस को उसके नेटिव एड्रेस पर भेजा था, लेकिन वहां से कोई लीड नहीं मिली। एक बात है सर, मैंने पावनी के कॉलिंग कॉर्ड चेक किए, पावनी ने सोहेल से कहीं ज्यादा तो मुदित के साथ बात की। शिव पावनी का कजन? जी सर। अच्छा गाड़िया, ये अरे अलमारी खुली, तो एक काम कर, अलमारी बंद कर और बाहर जाकर गाड़ी। आपका चेहरा बता रहा है कि आप पावनी को जानती। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका नाम पावनी है, लेकिन उस दिन ये लड़की मेरे साथ शेयरिंग ऑटो में थी। अरे भैया कहाँ लेके जा रहे हो? भैया हेलो हेलो, पापा पापा, चंद्रनगर क्रॉसिंग पर एक ऑटो वाला पापा। अंदर बैठ इसको, कर लो मार, टैक्सी लोड को खत्म कर। मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज प्लीज। इसको मारा ना तो पुलिस को पता लग जाएगा कि किडनैपिंग यहीं से हुई है। काम करते हैं, आईडी निकाल, चल आईडी निकाल। अभी तेरा एड्रेस है हमारे पास, अगर किसी को कुछ बताया ना तो जान से मार दूंगा, चल निकल। मैंने आप सबको इन्फॉर्म नहीं किया। कहीं आप उन किडनैपर्स को बचाने के लिए कोई कहानी तो नहीं बना रही है? नहीं सर, मैं सच सच बोल रही हूँ। मैं वो तीनों आदमी कौन थे, शकल, हुलिया, कुछ तो याद होगा आपको? सब कुछ इतनी जल्दी भी हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। संयुक्ता जी, हम जानते हैं कि आप इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन महावीर नगर में हमें एक ऑटो रिक्शा मिला है जो आपके पति भसंत के नाम पे रजिस्टर्ड है। भसंत जी का ऑटो? जरूर उनके साथ किसी ने कोई साजिश की और उनकी हत्या कर। कैसी साजिश, किसी पे शक है आपको? उनका सिर्फ एक ही दुश्मन था, उनका छोटा भाई गुलशन। गुलशन? हाँ सर, उससे तंग आकर भसंत जी ने उसे इस घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो जबरदस्ती इस घर पे हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था। तो अभी कहाँ है गुलशन? मैं नहीं जानती सर, और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। इस गुलशन का कोई नंबर वगैरह तो होगा आपके पास? हाँ, मैं लाके देती हूँ। अरे कल से पुलिस ही आ जा रही है ऑफिस में, इसलिए पैसे नहीं डलवा पाया। मेरी जुबान झूठी नहीं होती, डलवा दूंगा, डोंट वरी, समझा करो मेरी बात को। इसका नाम गुलशन, इसी ने आपकी बेटी पावनी को किडनैप किया है। आपकी बेटी के साथ जो ऑटो रिक्शा में दूसरी लड़की थी, उसने इसको आइडेंटिफाई किया। आप जानते हैं इसे? इसको आपने कभी सोहेल या पावनी के साथ देखा है? नहीं, हम नहीं जानते इसे, लेकिन आपके पास ये फोटो है ना, तो आप जाइए ना, ढूंढिए ना इसे। देखिए 36 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया पावनी को किडनैप हुए, पता नहीं हमारे बच्चे किस हालत में होगी। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नवीन जी, हमें आपसे कुछ मुदित के बारे में भी जानना है। सर पावनी मेरी कजिन है, इसीलिए मैं उसे फोन किया करता था। आप तो इसका उल्टा ही मतलब निकाल रहे हैं। और वो सोहेल को ढूंढिए ना सर, गायब तो वो है। सोहेल का छोड़, तू ये बता गुलशन को कब से जानता है? मैं नहीं जानता सर इस गुलशन को, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे। सर गुलशन का मोबाइल तो काफी दिनों से बंद आ रहा है, लेकिन सर एक हाफिज नाम के लड़के का पता चला है जिससे गुलशन की अच्छी दोस्ती थी। सर इस हाफिज की एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है जो पावनी की किडनैपिंग के अगले दिन से ही बंद है। सर ये वो लड़का हाफिज। तो ये हाफिज बाकी के दो किडनैपर्स में से एक हो सकता है? नहीं सर, उस दिन पावनी के साथ ऑटो में जो लड़की थी उसने इसे आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन सर इसके एक घर का पता चला है, शायद वहां से कुछ मिल जाए। यादव ताला तोड़।
जगह को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि किडनैपिंग के बाद पावनी को यहीं रखा गया। आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया। सर, सर काफी दिनों से वहां एक कार खड़ी और हाफिज के पास तो कोई कार थी ही नहीं। उस कार का नंबर याद है आपको? नंबर तो नहीं याद, हाँ लेकिन वो सफेद रंग की थी। कैसे भी करके उस सफेद रंग की गाड़ी का पता लगा, वही एक जरिया है हमारे पास किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए। हेलो। हेलो सर, मैं विनीत जैन बोल रहा हूँ, पावनी का बॉस। हाँ विनीत जी बोलिए। सर मुझे अभी अभी एक कॉल आया था, एक आदमी पावनी की फिरौती मांग रहा था। अरे फोन उठा ले। फिसड्डी पार्टी साड़ी, पता नहीं कहाँ भाग गया पुलिस के डरते। अब अगर इस लड़की का पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे इस लड़की का बता? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, किडनैपर्स ने आपसे फिरौती क्यों मांगी? पावनी तो सिर्फ आपकी एक एम्प्लॉई है। सर ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। 5 करोड़? हाँ 5 करोड़ तैयार रख। अगर पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो पावनी के साथ तुझे भी मार देंगे। विनीत जी अगर किडनैपर्स का दोबारा से फोन आए ना तो उनसे कहिएगा कि आप 5 करोड़ रुपए उन्हें देने के लिए तैयार हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर, पैसे नहीं दिए तो वो लोग मेरी जान ले सकते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं सर वो। कौन लोग हैं वो? आपको कोई अंदाजा है वो लोग कौन है? शायद आपका या पावनी का कंपनी के किसी क्लाइंट या वेंडर्स के साथ कोई इशू हो, शायद इसी वजह से उसने आपसे फिरौती मांगी हो। नहीं सर मुझे ऐसा नहीं लगता। सर जिस आदमी की लाश हमें किडनैपर्स के ऑटो के पास मिली थी उसका नाम सुरेश सिंह है। सुरेश सिंह कंजावला का रहने वाला है। कंजावला पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी और सर इसके पास बिल्कुल वैसी ही सफ़ेद कार है जैसी हाफिज की नंबर ने हमें बताई थी। और एक बात सर, इसकी वो कार आज ही ST रोड के CCTV में कैप्चर हुई है, ये रही उसकी फुटेज। ये कार तो संगम टर्मिनल की तरफ जा रही है। सुरेश के मर्डर को 36 घंटे से ज़्यादा हो गए और उसकी कार अभी भी मूव कर रही है, इसका मतलब किडनैपर्स ने सुरेश का मर्डर सुरेश की कार के लिए किया। ये किडनैपर्स खतरनाक ही नहीं बहुत शातिर भी है। इन्होंने पावनी की फिरौती की रकम मांगी है उसके बॉस से और जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था। इस किडनैपिंग का मकसद मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा संगम टर्मिनल के आसपास अच्छे से सर्च करवाओ, शायद इस कार या पावनी का वहां से कोई क्लू मिल जाए। सर मैं डर के गायब हुआ था, भागा नहीं था, वो तो आप लोग मेरी फैमिली को परेशान कर रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। किडनैपिंग से पहले पावनी तेरी गाड़ी में थी, कैसे भरोसा कर ले हम तेरी बात पर? क्योंकि संत नगर में मेरी गाड़ी से उतर गई थी। उतर गई थी या तूने उतार दिया था? ऐसे वो बीच रास्ते में क्यों उतरेगी? झगड़ा हो गया था हमारा। किस बात पर झगड़ा हुआ था? इंसल्ट करी थी उसने मेरी, मुझे अपने ऑफिस के पियोन के साथ कंपेयर कर रही थी, लेकिन सर उसका इस बात से कोई लेने देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? सर मुझे लगता है पावनी का अपने बॉस के साथ में कुछ चल रहा है। मतलब दोनों का अफेयर है सर, सोचिए ना, एक साल के अंदर उसे इंटर्न से मैनेजर बना दिया है उसने, अफेयर तो हो गई ना। इस सोहेल पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और मुझे ये भी खटक रहा है कि पावनी की फिरौती की रकम उसके बॉस से मांगी गई, आखिर कौन है इस सबके पीछे? हेलो। 5 करोड़ तैयार है ना? पुलिस अभी इस किडनैपिंग का मकसद समझ नहीं पा रही थी और फिरौती के दूसरे फोन कॉल के बाद पावनी के बॉस विनीत जैन को किडनैपर्स द्वारा बुलवाई गई जगह पर भेजा गया। हेलो। गाड़ी के सामने लेफ्ट साइड में पेड़ है ना, उसके पीछे बैग रख दे, पावनी अपने घर पहुंच जाए, चल जल्दी। हाँ
फिरौती मांगी साहब, लेकिन किडनैपिंग नहीं किया साहब। अबे किडनैपिंग नहीं की तो फिरौती क्या मांगी? साहब उस्ताद भाई के कहने पे। कौन उस्ताद भाई? गुलशन? नहीं साहब, गुलशन तो उस्ताद भाई का दुश्मन था साहब। साहब गुलशन उस्ताद भाई से जुए में 5 लाख रुपए हार गया था, वो दे नहीं पा रहा था साहब, इसलिए उस्ताद भाई ने गुलशन के ऊपर बिल्डिंग करने के लिए कहा था मुझे। घुमा रहा है हम लोगों को, घुमा रहा है ना है अपने उस्ताद भाई का। छोड़ दे लड़की को, नहीं तो गोली मार दूंगा। मेरी देख, आ तेरी ही गन है। देख भाई, अब पैसा नहीं मिला, फिरौती नहीं मिली तो मजे तो लेंगे ना। पैसा नहीं मिला, फिरौती के लिए कॉल क्यों करवाया तू मुन्ना से? अरे मुन्ना, अरे ये गोलू का गेम बजाना यार, क्या बहुत परेशान कर रखा है इसने। तो एक काम कर, तू लड़की की फिरौती मांग, तो जैसे ही पैसा मिलेगा ना, लड़की और गोलू दोनों का गेम बजा देंगे साले का। देख गोलू, मैं तेने सब कुछ समझा दूंगा। रुक, मुझे मत मारो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर मैं इन दोनों को नहीं मारता तो ये दोनों तुम्हारा रेप कर देते, इसलिए मुझे मारना पड़ा। पावनी, मैं ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता था, मुझे मजबूरी में करना पड़ा। तुम आजाद हो। तुम एक काम करो, अपने घर वालों को फोन कर लो। हेलो सर, मुन्ना को बहुत तोड़ा लेकिन वो बता ही नहीं रहा है कि उसने पावनी को कहाँ छुपा रखा है। सर, पावनी के ऑफिस से लेकर घर तक की कई सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हैं, ये देखो। इसमें तो गुलशन पावनी को फॉलो कर रहा है। पापा से बात हो गई है, वो पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच गुलशन। गुलशन नहीं, गुल्लू। मेरी माँ ने ये नाम मुझे बहुत प्यार से दिया था। पता है, जब मैं 18 साल का था ना, तब मेरी माँ चल बसी। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि माँ के जाने के बाद माशूका उसकी जगह ले लेती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? है ना, 16 अक्टूबर को मेरी जिंदगी में आई थी। नहीं चल सकते। मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, पर इजहार आई लव यू पावनी। मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करती हूँ गुलशन, लेकिन मैं प्यार का इजहार करते ही गुल्लू से गुलशन। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो गुलशन। गुल्लू, संयुक्ता भी यही कहती रही मुझे, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे भाई की हूँ। मेरा बच्चा मेरा नहीं, मेरे भाई का है। फिर पता है मैंने अपने भाई के साथ क्या किया? फिर तेरे लिए मैंने उस गाड़ी वाले को मार दिया, तेरी लाश बचाने के लिए मैंने इन दो हफ्सियों को भी मार दिया, और तू कह रही है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। गुलशन, गुलशन नहीं, गुल्लू, गुल्लू। बोल बोल, तुम मुझसे प्यार करती है? पावने, पापा, पापा, पावनी, पापा, पावनी रुक, पापा, पापा, रुक, पापा, छोड़ दे, छोड़। सर, पावनी और पावनी के फादर की लोकेशन विशाखानगर से हो रही है। योगेश, फास्ट। पावनी, अगर संयुक्ता को उसकी वफाई की सजा नहीं मिली तो तुझे जरूर मिलेगी।
गुलशन ने अपने अपराधी दोस्तों को फिरौती के पैसों का लालच देकर पावनी को किडनैप करवाया और फिर एक एक करके उन सबको मार दिया। और ये सब करके वो पावनी को ये जताना चाहता था कि वो उसका सेवियर है। उसे लगा था कि वो एक फिल्मी हीरो की तरह पावनी के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर लेगा। उसका ये पागलपन अचरज में डालने वाला था। पावनी के पिता समेत उसने 6 हत्याएं की। इससे पहले गुलशन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन 2 साल पहले उसने अपनी भाभी संयुक्ता के साथ बलात्कार किया था। लेकिन संयुक्ता ने यह सच अपने पति बसंत से छिपाया। उसे इस बात का डर था कि अगर यह बात सामने आ गई तो कहीं उसका पति भी उसे ना छोड़ दे और समाज भी उसे तिरस्कृत कर दे। लेकिन संयुक्ता जैसी महिलाओं का यह डर अक्सर ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ा देता है। अगर गुलशन का अपराध पहले ही उजागर हो गया होता तो आज वो ये रक्तपात नहीं मचा पाता। और पावनी को भी हमेशा ये पछतावा रहेगा कि गुलशन जैसा अपराधी जो उसे लगातार स्टॉक कर रहा था, अगर वो पहले से ही सतर्क हो जाती तो अंजाम इतना घातक नहीं होता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।